विश्व महासागर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा ऑप्शन है 6 जून, तीसरा ऑप्शन है 7 जून और चौथा ऑप्शन है 8 जून। तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 2000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है मिथाली राज, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा, चौथा ऑप्शन है सुरेश रैना। तो मिथाली राज बनी है पहली भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने 2000 रन बनाए हैं, और ये इन्होंने 7 जून 2018 को एशिया कप में बनाया है। अभी तक इन्होंने 75 मैच में 2015 रन बनाए हैं। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने अभी तक 1983 रन बनाए हैं T20 में। किस राज्य सरकार ने अपना पहला बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो पंजाब की गवर्नमेंट ने पहला बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडस्ट्री मिनिस्टर सुंदर शाम अरोड़ा ने जालंधर में पंजाब में दी है, और ये 7 जून 2018 को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आशीष जाखड़ ने जापान में 2018 एशियाई जूनियर एथलीट्स में स्वर्ण पदक जीता है, तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। पहला ऑप्शन है स्प्रिंट, दूसरा ऑप्शन है ट्रिपल जंप, तीसरा ऑप्शन है हैमर थ्रो और चौथा है बॉक्सिंग। तो वो हैमर थ्रो खेलते हैं। इसमें उन्होंने 6 kg का आयरन बॉल जो कि चैन के साथ था उसको 76.86 मीटर दूर फेंका था, जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड था 75.04 मीटर, और इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने 2013 के बाद से उत्तम मातृ मृत्यु दर का अनुपात दर्ज किया है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है केरला, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है केरला। सबसे पहले चीज आपको ये पता होना चाहिए कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जिसको MMR शॉर्ट में कहा जाता है, ये क्या होता है। तो देखिए, इसमें जो महिला प्रेग्नेंट है या किसी बच्चे को जन्म देने के 42 दिन के बाद अगर मृत्यु हो जाती है तो उस रेशियो को हम लोग कहते हैं MMR, ठीक है। और यह भी केरला में 46 हो गया है, 46 MMR। अगला सवाल, किस दक्षिण अफ्रीकी शहर ने मंडेला गांधी युवा सम्मेलन 2018 की मेजबानी की है? पहला ऑप्शन है केप टाउन, दूसरा ऑप्शन है पीटर मारिट्सबर्ग, तीसरा ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, चौथा ऑप्शन है प्रिटोरिया। तो इसका सही उत्तर है पीटर मारिट्सबर्ग। ये एक 3 दिन का इवेंट है, 3-day इवेंट है ये, और इसकी शुरुआत हुई है 7 जून को। अगला सवाल देखते हैं, संक्रमण रोकने के लिए सभी नैदानिक परियोजनाओं के लिए ऑटो सक्षम सिरिंज का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटका, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। इस तरह का जो सिरिंज है वो इस बात की गारंटी देगा कि एक सिरिंज एक ही बार इंजेक्शन लगाया जा सकता है उसे, और इससे जो इन्फेक्शन है उसे रोका जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, BCCI पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर 2016, 2017 और 2017, 2018 सीजन के लिए कौन पोली उमरिगर प्रकाश पुरस्कार प्राप्त करेगा? पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा ऑप्शन है MS धोनी, तीसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा और चौथा ऑप्शन है शिखर धवन। तो ये अवार्ड विराट कोहली को मिलेगा 15 जून को बेंगलुरु में। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस समिति की सिफारिशों के आधार पर ऋण चूक की जांच के लिए पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है बिमल जलन कमेटी, दूसरा ऑप्शन है YM
देवस्थली कमेटी, तीसरा ऑप्शन है आर गांधी कमेटी, चौथा ऑप्शन है केशव जैन कमेटी, और इसका जो सही उत्तर है वो है वाई एम देवस्थली कमेटी। तो ये जो कमेटी है ये उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, या तो इंडिविजुअल हो या तो कॉरपोरेट हो, जिन्होंने लोन लिया है। अगला सवाल, आरबीआई ने कुछ मानदंडों के तहत किन बैंकों को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने की अनुमति दी है? पहला है एनबीएफसी बैंक्स, दूसरा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, तीसरा है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स और चौथा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और ये इसलिए किया गया है कि जो ये बैंक है ये नॉर्मल बैंक की तरह काम करना शुरू कर दे। भारत के विशेष आर्थिक नीति का अध्ययन करने के लिए समूह का नेतृत्व कौन करेगा? पहला ऑप्शन है बाबा कल्याणी, दूसरा है जयराम ठाकुर, तीसरा है नौशाद आलम, चौथा है नितिन टेकरीवाल। इसका जो सही उत्तर है वो है बाबा कल्याणी, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। पहला सवाल, 2018 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? पहला ऑप्शन है सलमान खान, दूसरा अक्षय कुमार, तीसरा शाहरुख खान और चौथा सलमान खान। और इसका जो सही आंसर है वो है अक्षय कुमार। इन्हें 2018 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है 29 अप्रैल 2018 को मुंबई में, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनकी जो एक्टिंग है पैडमैन मूवी और ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा है उसके लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अक्षय कुमार। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय सेना का 2018 विजय प्रहार अभ्यास किस राज्य में हुआ था? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है केरला और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो ये सूरतगढ़ में हुआ था जो कि राजस्थान में है, जिसमें 20,000 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया था और इस एक्सरसाइज में मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज किए गए थे जैसे कि ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सेंसर इत्यादि। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। चलिए अगला सवाल देखते हैं, google.org ने भारत में शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक सामग्री निर्माण के लिए कितना धन दिया है? पहला है $2.5 मिलियन, दूसरा है $4 मिलियन, तीसरा है $3.5 मिलियन और चौथा है $3 मिलियन। और इसका जो सही आंसर है वो है $3 मिलियन। ये दो ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा, पहला है सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन और दूसरा है द टीचर ऐप, जिसमें से $1 मिलियन टीचर ऐप को मिलेगा और जो $2 मिलियन है वो सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन को मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गोबरधन योजना किस राज्य से शुरू की गई थी जो कचरे से धन और ऊर्जा को बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा पंजाब, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। उमा भारती जी जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, इसकी शुरुआत हरियाणा में की थी। इसका जो मेन मकसद था गांवों की सफाई और कचरे से धन और ऊर्जा को प्राप्त करना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पहली बार संयुक्त सेना एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच किया गया था? पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है वियतनाम, तीसरा ऑप्शन है मलेशिया और चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। इसका जो सही आंसर है वो है मलेशिया। ये 30 अप्रैल को कुआलालंपुर में शुरू हुआ था, जिसका मेन मकसद था जंगल में किस तरह से लड़ाई लड़ी जाए और दूसरा दोनों देश के बीच में डिफेंस की जो रिश्ते हैं वो बेहतर की जाए। अगला सवाल देखते हैं, नौवा भारत जापान ऊर्जा वार्ता 2018 किस शहर में आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, चौथा ऑप्शन है कोची। 1 मई 2018 को इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में, जिसका मेन मकसद था दोनों देश मिलकर सिक्योरिटी एनर्जी, एनर्जी एसेस और क्लाइमेट चेंज पर साथ में काम करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यू दिल्ली। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस भारतीय अमेरिकी व्यक्तित्व को न्यूयॉर्क शहर की अमेरिकी सिविल कोर्ट के अंतरिम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है कृष्ण कौर, दूसरा ऑप्शन है प्रियंका जैन, तीसरा ऑप्शन है दीपा अंबेकर और चौथा ऑप्शन है जीवा सिंह। और ये दूसरी भारतीय अमेरिकी महिला है जिन्हें ये पोस्ट दी गई है, पहली का नाम राजा राजेश्वरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 2018 अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट किसने जीता है? पहला ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, दूसरा ऑप्शन है डेनियल रिकार्डियो, तीसरा ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटल, चौथा ऑप्शन है किमी राइकोनेन। तो
तो इसका जो सही आंसर है वो है लुइस हैमिल्टन। ये ब्रिटिश के ड्राइवर हैं जो मर्सिडीज चलाते हैं और ये अवार्ड उन्होंने 29 अप्रैल 2018 को जीती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की ताजा रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग के उल्लंघन की सूची में भारत का रैंक क्या है? पहला ऑप्शन है 9वां, दूसरा ऑप्शन है 6ठा, तीसरा ऑप्शन है 5वां और चौथा ऑप्शन है 8वां। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6ठा। टोटल 69 केसेस डोपिंग का वायलेशन हुआ था और इस लिस्ट में इटली टॉप पर है। रामनाथ कोविंद ने 73 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का उद्घाटन किया है, तो आपको बताना है कि वो किस राज्य में है। तो सबसे पहली बात, रामनाथ कोविंद भारत के प्रेसिडेंट है। आपका पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। ये जो 73 किलोमीटर नेशनल हाईवे है ये जोड़ेगी माता बड़ी को सबरूम से, जो कि त्रिपुरा में है। ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने किस सैटेलाइट के लॉन्च व्हीकल के लिए फंडिंग को अप्रूव किया है? आपके पहला ऑप्शन है GASAV, दूसरा ऑप्शन है GSLV Mark 3, तीसरा ऑप्शन है PUSL 1 और चौथा ऑप्शन है RSRV। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी ने 4,338.20 करोड़ का फंड अप्रूव किया है और ये अप्रूव किया गया है GSLV Mark 3 के लिए। तो सबसे पहली चीज, आपको GSLV का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। किस देश ने निपा वायरस की वजह से प्रोसेस और फ्रोजन फूड का आयात बंद किया है केरला से? तो आपका पहला ऑप्शन है कतर, दूसरा ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, तीसरा ऑप्शन है जॉर्डन और चौथा ऑप्शन है ओमान। तो सऊदी अरेबिया ने जो फ्रूट्स है और वेजिटेबल आते हैं केरला से उसको बैन किया है निपा वायरस की वजह से। अभी तक 18 लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, जिसमें से 16 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों का भी इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। भारत वर्ल्ड में किस पोजीशन पे आता है ई वेस्ट जनरेट करने में अकॉर्डिंग टू AWSOCHM स्टडी? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका सेकंड, दूसरा ऑप्शन है थर्ड, तीसरा ऑप्शन है फोर्थ और चौथा ऑप्शन है फिफ्थ। तो ये 5वें पोजीशन पे आता है वर्ल्ड में। और जो इसके अलावा जो 4 कंट्री हैं उनके नाम है चाइना, US, जापान और जर्मनी। भारत की किस पब्लिक अथॉरिटी ने अपना ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसे ICAR के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे AAI के नाम से भी जाना जाता है और चौथा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। ये लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया गया है ताकि जो लोग RTI Act के तहत किसी इंफॉर्मेशन को पाना चाहते हैं तो उन्हें इस ऑनलाइन RTI पोर्टल की तरफ से जानकारी मिल जाएगी। अभी का जो रेपो रेट है वो क्या है? पहला ऑप्शन 6.25%, दूसरा ऑप्शन 6.50%, तीसरा ऑप्शन 6%, चौथा ऑप्शन 6.75%। तो सबसे पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट में RBI जो है वो कमर्शियल बैंकों को लोन देता है और इसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। तो अभी जो रेपो रेट है वो 6.25% है। इसको 6 मेंबर की पॉलिसी कमेटी ने 6 जून 2018 को 25 पॉइंट बढ़ा दिया है। आईफा 2018 में किसे आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका धर्मेंद्र, दूसरा है शत्रुघ्न सिन्हा, तीसरा है अनुपम खेर और चौथा है जितेंद्र। तो
अनुपम खेर को यह अवार्ड दिया जाएगा, जो कि 24 जून 2018 को आईफा है बैंकॉक में। इन्होंने 30 साल से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, 30 ईयर। नारायण प्रसाद सिंह जो प्रसिद्ध गीतकार थे, उनके भी मृत्यु हुई है। वो किस स्टेट को बिलोंग करते थे? पहला ऑप्शन है आपका झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है वेस्ट बंगाल और चौथा है उड़ीसा। तो उनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 6 जून 2018 को, ठीक है। ये फेमस और काफी जाने पहचाने इंसान थे उड़िया म्यूजिक में, और ये उड़ीसा के थे। मिट्टी डैम किस स्टेट में है? पहला ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। ये मिट्टी रिवर पे बनी है। ये अबदशा तालुका में आती है, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि गुजरात में है। तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। गंगा और पद्मा के साथ नदी के किनारे मिट्टी के कटाव की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने कितने की राशि को अप्रूव किया है? आपका पहला ऑप्शन है 129 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 95 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 107 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 111 करोड़। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने 107 करोड़ की राशि अप्रूव की है, जिससे सॉइल इरोजन, जिसे हिंदी में मिट्टी का कटाव, को रोका जाएगा और इसमें 15 किलोमीटर एरिया को ठोस बनाया जाएगा। 2019 तक इस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला सवाल, किस राज्य ने भारत के प्रथम राज्य के रूप में स्वयं को खुले शौच मुक्त राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए घोषित किया है? पहला है हरियाणा, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है तेलंगाना। एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने घोषित किया है कि उनका स्टेट खुले शौच मुक्त हो चुका है और 2,77,000 इसके लिए इंडिविजुअल टॉयलेट बनाए गए हैं। और अब जो आंध्र प्रदेश है वो ODF+ के लिए काम कर रहा है। ODF मतलब ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब खुले शौच मुक्त। अगला सवाल, फीफा विश्व कप 2018 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है? पहला मोहम्मद सलाह, दूसरा हैरी केन, तीसरा मेसी, चौथा किलियान मबापी। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि फीफा वर्ल्ड कप कब और कहाँ हो रही है। तो ये हो रही है 14 जून से 15 जुलाई तक, और ये हो रहा है रसिया में, जिसमें टोटल 32 टीमें पार्टिसिपेट करेगी। और जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है वो है हैरी केन, जो कि लीड स्ट्राइकर है इंग्लैंड नेशनल टीम से। हाल ही में प्रसिद्ध सेलिब्रिटी सेफ और टीवी एंकर एंथनी बॉर्डन की मृत्यु हो गई है, तो आपको ये बताना है कि वो किस देश के थे। तो सबसे पहली चीज, वो 61 साल के थे और उनकी जो मौत हुई है वो फ्रांस में हुई है, होटल रूम में मृत पाए गए थे। वो एक टेलीविजन सीरियल की वहां पे शूटिंग कर रहे थे और वो यूनाइटेड स्टेट के थे। सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्य को अपनी सबसे लंबी सुरंग थिंग सुरंग मिली है। ये सुरंग राजधानी शहर गंगटोक से डैश तक जुड़ जाएगी। तो पहला ऑप्शन है आपका चुंगथांग, दूसरा ऑप्शन है नामची, तीसरा ऑप्शन है रंगपो, चौथा ऑप्शन है गैल सिंह। सुभाष रामराव भमरे, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है, उन्होंने थिंग सुरंग की उद्घाटना की है। और ये जो सुरंग है वो 578 मीटर लंबी है और ये गंगटोक को चुंगथांग से जोड़ेगी। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो
BRO करेगी। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2018 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किंग डाओ में आयोजित किया गया है, जो कि चाइना में है, और इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे हमारे नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये जो इवेंट है ये चलेगा 9 जून से 10 जून तक। किस भारतीय राज्य ने इस अकादमिक सन से स्नातक पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया है? पहला ऑप्शन है आपका हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो स्नातक पाठ्यक्रमों में से सेमेस्टर को हटा के एनुअल एग्जाम को लाएंगे। और ये जिसके तहत आएगा उसका नाम है रूसा। रूसा का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। निम्नलिखित महिलाओं की क्रिकेट टीम में से किसने 490 के उच्चतम वनडे इंटरनेशनल स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है इंडिया और चौथा ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो ये जो 490 का जो स्कोर बना है वो YMCA स्पोर्ट्स क्लब, जो कि डलबिन में है, और डलबिन आता है न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड की टीम ने आयरलैंड के खिलाफ ये स्कोर बनाया है। इन्होंने 490 रन बनाए थे 4 विकेट खोकर, और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि पहले था 455 रन 5 विकेट पर, और ये पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था 1997 में। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। पहला ऑप्शन है पीयूष गोयल, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है हर्षवर्धन और चौथा है अरुण जेटली। तो अरुण जेटली हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कलिंगा साहित्यिक उत्सव एक वार्षिक साहित्यिक उत्सव है, तो आपको ये बताना है कि ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है केरला, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी KLF की, वो हुई थी 2014 में, और इसे हर साल जून में मनाया जाता है, और जो स्टेट इसे आयोजित करता है उसका नाम है उड़ीसा। हाल ही में किस शहर में ट्रक और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास पर एक कार्यशाला आयोजित की गई है? पहला ऑप्शन है आपका हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है न्यू दिल्ली। तो ये जो कार्यशाला आयोजित की गई थी वो की गई थी न्यू दिल्ली में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एसोसिएशन ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के साथ मिलकर किया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत किया गया था। खेलो इंडिया योजना के तहत जम्मू कश्मीर में ब्लॉक स्तर के खेल के लिए सरकार द्वारा कितनी रकम मंजूर की गई है? पहला ऑप्शन है 15.20 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 12.10 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 14.30 करोड़ और चौथा ऑप्शन है आपके पास 11 करोड़। जम्मू कश्मीर में टोटल 143 ब्लॉक हैं, और हर ब्लॉक को खेलो इंडिया की तरफ से 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो 143 × 10 लाख, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 14.30 करोड़। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों के चरण 3 के तहत कितने प्रतिष्ठित साइटों को घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है आपका 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 20। 12 जून को परमेश्वर अय्यर जी ने, जो कि सेक्रेटरी है यूनियन मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन में, उन्होंने 10 साइटों की घोषणा की है, तो इसका जो आंसर होगा वो 10। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत 2018 में बिम्स्टेक के पहले सैन्य अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है, अभ्यास किस जगह पर होगा आपको ये बताना है।
पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है न्यू दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है पुणे। तो सबसे पहली चीज तो आपको बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और इसका जो सही जवाब है वो है पुणे। ये होगी एक्सरसाइज सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मतलब ICT पर 2018 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? पहला ऑप्शन है आपका ब्राजील, दूसरा ऑप्शन है इंडिया, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। ये कॉन्फ्रेंस काठमांडू में होगा जो कि नेपाल की राजधानी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेपाल। ये 17 जून को शुरू हो और इसको ऑर्गेनाइज कर रही है फेडरेशन ऑफ कंप्यूटर एसोसिएशन नेपाल, जिसे CAN भी शॉर्ट में कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के लिए नीति आयोग ने हाल ही में कितने अतिरिक्त स्कूलों का चयन किया है? पहला ऑप्शन है 4,000, दूसरा ऑप्शन है 1,000, तीसरा ऑप्शन है 2,000, चौथा ऑप्शन है 3,000। और इसका जो सही आंसर है वो है 3,000। इस मिशन के तहत इन सभी स्कूलों को 20 लाख रुपए मिलेंगे और उन पैसों से इन्हें लैब बनाना है और इन लैब में इनोवेशन के काम होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय महिला मुक्केबाज का नाम जिन्होंने रूस के कास्पिस्क में उमाखानाओ मेमोरियल टूर्नामेंट में 75 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। पहला ऑप्शन है निखत जरीन, दूसरा है सविती बूरा, तीसरा ऑप्शन है कविता गोए, चौथा ऑप्शन है पिंकी जंगरा। तो जिन्हें स्वर्ण पदक मिला है उनका नाम है सोविती बूरा, और ये महिला टीम की अकेली प्लेयर हैं जो कि फाइनल में पहुंची है, स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है मॉरिशस, तीसरा ऑप्शन है भूटान और चौथा ऑप्शन है नेपाल। और इसका जो सही आंसर है वो है मॉरिशस। और ये 18 से 20 अगस्त में मॉरिशस में आयोजित किया जाएगा, जिसका मेन मकसद होगा हिंदी भाषा की पॉपुलैरिटी बढ़ाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति कोविंद 16 जून से अपने सप्ताह के लंबे 3 राष्ट्र दौरे करने के लिए तैयार हैं। दिए गए देशों में से कौन सा तीनों में से शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है चिली, दूसरा ऑप्शन है क्यूबा, तीसरा ऑप्शन है ग्रीस, चौथा ऑप्शन है सुरीनम। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये जाननी होगी कि वो जा क्यों रहे। वो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, एजुकेशन इन होम्योपैथिक मेडिसिन, मेडिकल प्लांट्स और ऐसे कई एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। और वो जो देश जा रहे हैं उनका नाम है क्यूबा, सुरीनम और ग्रीस। तो इसका आंसर होगा चिली। अगला सवाल देखते हैं। गावित मुरली कुमार ने नीदरलैंड में 2018 गोल्डन स्पाइक बैठक में पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में स्वर्ण जीता है। वह किस राज्य का मूल निवासी है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वह है गुजरात। इन्होंने 10,000 मीटर रेस 28 मिनट 43.34 सेकंड में कंप्लीट किया था और इनको इसके लिए गोल्ड मिला था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्रीन मिजोरम दिवस डैश पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका जून 10, दूसरा ऑप्शन है जून 12, तीसरा ऑप्शन है जून 11 और चौथा ऑप्शन है जून 9। तो सबसे पहली बात, ग्रीन मिजोरम दिवस की शुरुआत हुई थी 1999 में और इसका जो सही आंसर है वो है जून 11। इस दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टूडेंट, मेंबर ऑफ NGO ये लोग बहुत सारे प्लांट लगाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस देश को 23वां फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करनी है? पहला ऑप्शन है US, कनाडा, मेक्सिको, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील, मेक्सिको, स्पेन, चौथा ऑप्शन है थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है US, कनाडा, मेक्सिको। और इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है भी नहीं, जो है इसमें। तो इसका जो आंसर है US, कनाडा एंड मेक्सिको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क CBIC के केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है एस रमेश, दूसरा है जमुना पीडी सिंह, तीसरा ऑप्शन है पी किशोर सक्सेना, चौथा ऑप्शन है बंजना एन सरना। तो इसका जो सही आंसर है वो है एस रमेश, जो कि 1981 IRS बैच के हैं।
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 में भारत का रैंक क्या है? पहला ऑप्शन है 138, दूसरा ऑप्शन है 129, तीसरा ऑप्शन है 136 और चौथा ऑप्शन है आपका 128। तो इसमें इंडिया की रैंक है 136, 163 देशों में। इस रैंकिंग लिस्ट को बनाया है इंटरनेशनल थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ने, जो कि सिडनी में है। लिस्ट को बनाने में तीन मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया है। पहला है आपका सिक्योरिटी, दूसरा है सेफ्टी, तीसरा है ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट, और इस लिस्ट में टॉप पर है आइसलैंड और लास्ट पे है सीरिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 136। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यूपीएससी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है अरविंद सक्सेना, दूसरा है भीमसेन बसी, तीसरा है एएस भोंसले, चौथा है सुजाता मेहता। इसका जो सही उत्तर है वो है अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना को नियुक्त किया गया है यूपीएससी का चेयरमैन, और वो इस पोस्ट को 20 जून से संभालेंगे। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, अरविंद सक्सेना रॉ के ऑफिसर रह चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला पुलिस म्यूजियम किस शहर में आएगा? पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा ऑप्शन है न्यू दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है न्यू दिल्ली, और इसका जो उद्घाटन होगा वो आने वाले 21 अक्टूबर को या तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे या राजनाथ सिंह जी करेंगे। और इस म्यूजियम में हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, यूनिफॉर्म, वीपन्स जो कि पुलिस ने यूज किया है उसे रखा जाएगा। चौवालीसवां G7 शिखर सम्मेलन किस राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है यूएस और चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कनाडा। कनाडा ने G7 शिखर सम्मेलन को आयोजित किया था 8 और 9 जून को। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा देश अमेरिका में विदेशी छात्रों का दूसरा सबसे अधिक प्रेषक है? पहला ऑप्शन है आपका चाइना, दूसरा ऑप्शन है इंडिया, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है यूके। इसका जो सही उत्तर है वो है इंडिया। इंडिया के अभी 1,86,000 स्टूडेंट यूएस में पढ़ रहे हैं और नंबर टॉप पे है चाइना। और इस इंफॉर्मेशन को यूएस कौंसल क्रेग हेल ने 10 जून को 2018 में कोलकाता के एक प्रोग्राम में बताया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2018 विश्व महासागर दिवस का विषय क्या है? पहला ऑप्शन है प्रिवेंट ओशियन फ्रॉम प्लास्टिक पॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है आवर ओशियन आवर फ्यूचर, तीसरा ऑप्शन है हेल्दी ओशियन हेल्दी प्लैनेट, चौथा ऑप्शन है प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड इंक्रीजिंग सॉल्यूशन फॉर ए हेल्दी ओशियन। इसका सही उत्तर है प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड इंक्रीजिंग सॉल्यूशन फॉर ए हेल्दी ओशियन। और ये वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है हर साल। ट्री संग्रहालय का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया था? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है पंजाब। इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात। गुजरात के वडोदरा में 12,000 प्लांट्स लगाए गए हैं और ये 100 वैरायटी के हैं, और इसको जो एरिया लगाया गया है वो लगाया गया है 50,000 स्क्वायर मीटर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के तेजी से समाधान के लिए एआरसी की स्थापना की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? पहला ऑप्शन है बिमल जलन कमेटी, दूसरा है विरल आचार्य कमेटी, चौथा है सुभाष गर्ग कमेटी और चौथा ऑप्शन है आपके पास सुशील मेहता कमेटी। और इसका जो सही उत्तर है वह है सुशील मेहता कमेटी, और इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गठित किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा भारतीय रेल निकाय व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर अपनी ट्रेनों की सफाई की निगरानी करेगा? पहला है दिल्ली मेट्रो, दूसरा है साउदर्न रेलवे, तीसरा है नॉर्दर्न रेलवे और चौथा है कोची मेट्रो। और इसका सही जवाब है नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे अब व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर अपनी ट्रेनों की सफाई की निगरानी करेगा, और जो इसकी जो जानकारी है उसे विश्वेश चौबे जी ने न्यू दिल्ली में दिया है। 27 जून को सोलर चक्र मिशन का शुभ आरंभ कौन करेगा? पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, दूसरा ऑप्शन रामनाथ कोविंद जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया के, तीसरा ऑप्शन राजनाथ सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, चौथा ऑप्शन एम वेंकैया नायडू जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामनाथ कोविंद जी। इस प्रोजेक्ट में टोटल 550 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित राज्यों में से किसने जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जल साक्षरता अभियान के KSLM में शुरू किया है? पहला ऑप्शन है केरला, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल और चौथा ऑप्शन है कर्नाटका। अगर आपको KSLM का फुल फॉर्म पता होता तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता होता। तो इसका जो KSLM का जो फुल फॉर्म है वो है केरला स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। इसमें टोटल 70,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से प्रत्येक विद्यार्थी को 15 फैमिली को वाटर संरक्षण यानी जल संरक्षण के बारे में बताना है। और ये जो है 20 जून से 20 सितंबर तक ये अभियान चलेगा। तो इसका सही आंसर है केरला। अगला सवाल, किस भारतीय सामाजिक सुधारवादी को प्रतिष्ठित निक्की एशिया पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है बिंदेश्वर पाठक, तीसरा ऑप्शन है मेधा पटकर, चौथा ऑप्शन है इरम चंदू शर्मिला। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिंदेश्वर पाठक। इनको ये कल्चर एंड कम्युनिटी कैटेगरी में ये अवार्ड 13 जून को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त शेयर पूंजी को जुटाने के लिए किस बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक, दूसरा ऑप्शन है SBI बैंक, तीसरा है HDFC, चौथा है ICICI। तो इसका जो सही आंसर है वो है HDFC। 13 जून 2018 को यूनियन कैबिनेट ने 24,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त शेयर पूंजी को जुटाने के लिए HDFC बैंक को मंजूरी दे दी है, जिसमें एक कंडीशन है कि और इस 24,000 करोड़ रुपए में 74% से ज्यादा हिस्सेदारी फॉरेनर्स की नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की बिक्री के लिए भारत को मंजूरी दे दी है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है रसिया, तीसरा ऑप्शन है US और चौथा ऑप्शन है आपका UK। तो इसका जो सही आंसर है वो है US। US ने 6AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की बिक्री को मंजूरी दे दी है और इसकी जो कुल लागत होगी वो होगी $930 मिलियन। अगला सवाल, एक टेस्ट मैच के पहले सत्र में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है शिखर धवन, दूसरा ऑप्शन है मुरली विजय, तीसरा ऑप्शन है विराट कोहली और चौथा ऑप्शन है आपका KL राहुल। और इसका जो सही आंसर है वो है शिखर धवन। और इन्होंने ये 14 जून 2018 को अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया है और ये दुनिया के छठे बल्लेबाज और भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने पहले ही सत्र में सेंचुरी लगाई है। अगला सवाल देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड गायब होने की कगार पर है, उस आइसबर्ग का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है A-17, दूसरा ऑप्शन है C-06, तीसरा ऑप्शन है B-15, चौथा ऑप्शन है D-56। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा हिमखंड है उसका नाम है B-15 और ये मार्च 2000 में जब ये टूटा था तो इसका जो लंबाई थी वो थी 265 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई थी 37 किलोमीटर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री ने हाल ही में हनोई में दिए गए रक्षा PSU के बीच के पहले प्रतिनिधि किस कार्यालय का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, दूसरा ऑप्शन है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE, तीसरा ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, चौथा ऑप्शन है भारत अर्थ मूवर्स BEML। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि डिफेंस मिनिस्टर जो भारत की है उनका नाम है निर्मला सीतारमन और इन्होंने जिस कार्यालय का उद्घाटन किया है उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। अगला सवाल, 2018 फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा ऑप्शन है रसिया, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है स्पेन। तो ये 21वां फीफा वर्ल्ड कप है जो कि रसिया में आयोजित किया गया है और ये 14 जून से 15 जुलाई तक चलेगी। निम्नलिखित में से किसे यस बैंक के MD एंड CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है अशोक चावला, दूसरा ऑप्शन है आदित्य पुरी, तीसरा ऑप्शन है शिखा शर्मा और चौथा ऑप्शन है राणा कपूर। तो इसका जो सही आंसर है वो है राणा कपूर। राणा कपूर अगले 3 साल तक इसी पोस्ट पे बने रहेंगे और 1 सितंबर 2018 से इस पद को संभालेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राज्य पुलिस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी महिला बटालियन को मंजूरी दे दी गई है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3,
तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 2। और इसका जो सही आंसर है वो है 2, जिसमें से एक बटालियन मिलेगी जम्मू डिवीजन को और दूसरी बटालियन मिलेगी कश्मीर डिवीजन को। इसमें टोटल 2000 महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा और ये इसी साल किया जाएगा, और इसमें जो टोटल खर्च आएगा वो होगा 105 करोड़। अगला सवाल, भारत सरकार ने चिकित्सा, जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 13 जून को निम्नलिखित देशों में से किस समझौते को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है पेरू और चौथा है सिंगापुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांस। और ये समझौता ICMR, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड INSERM, जो कि फ्रांस की है, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा राष्ट्र भारत के खिलाफ पहली बार 14 जून को होने वाला टेस्ट मैच खेलेगा? पहला ऑप्शन है घाना, दूसरा है ईरान, तीसरा है अफगानिस्तान और चौथा है इजराइल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अफगानिस्तान। ये जो टेस्ट है ये 14 जून से बेंगलुरु में खेला जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।